सो व्हाट्स अप गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, नहीं बनाएंगे असल में, एक रोबो। तो अगर आपने मेरी शॉर्ट फिल्म नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग उस कैरेक्टर को ही डिज़ाइन करेंगे जो मैंने उस शॉर्ट फिल्म में बनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं ब्लेंडर का 2.93 वर्जन यूज़ करो। सीधा जाते हैं हम लोग ब्लेंडर के व्यू पोर्ट में और सबसे पहले मैं यहाँ पर हमारे बाय डिफॉल्ट लाइटिंग और कैमरे को यहाँ पर मैं डिलीट कर दूंगा। और जो हमारा क्यूब है उसके ऊपर मैं यहाँ पर सबसे पहले एक मॉडिफायर अप्लाई करने वाला हूँ जिसका नाम है सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले उसकी वैल्यूज को 2 कर दूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली लूप कट टूल की मदद से हमारे क्यूब को सिंपली यहाँ पर कट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारे मॉडिफायर को अप्लाई कर दूंगा। और अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ हमारा जो रोबो होगा उसकी यहाँ पर आई को। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक क्यूब को थोड़ा सा बैक करूँगा और यहाँ पर एक एमिशन शेडर की मदद से इसकी आईज को बनाने का मैं यहाँ पर सोचा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर जो ऊपर में 3 डॉट है इसमें से यहाँ पर जो फेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है उसको यहाँ पर आप सबसे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा फेस का जो फ्रंट साइड है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं उसे ई प्रेस करके थोड़ा पीछे की ओर ढकेल दूँगा एक्स एक्सिस अलोंग। इसके लिए आपको प्रेस करना होगा ई और एक्स को। तो ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर हो चुका है। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और बार सब डिविजन सर्फेस मॉडिफायर को ऐड कर दूँगा। तो ये काफ़ी एक हेलमेट टाइप का लुक मुझे देखने को मिल रहा है, जो हमारे इंडियन हेलमेट होते हैं उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सब डिवीज़न की वैल्यू को फिर से यहाँ पर बढ़ा दूंगा क्यों, ताकि मुझे एकदम स्मूथ सरफेस यहाँ पर मिल पाए। खैर अभी मैं यहाँ पर सब डिवीज़न सरफेस मॉडिफायर को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री को और थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ये मेरा परफेक्टली यहाँ पर ज्योमेट्री जो थी वो हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा सब डिविजन सरफेस मॉडिफायर को। तो फिर वही तरीका रहेगा और उसे मैं यहाँ पर सिंपली जाके अप्लाई कर दूँगा। तो अब बारी यहाँ पर आई बनाने की। तो उसके लिए मैं सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा सर्कल को और मैं यहाँ पर उसके RX 90 प्रेस करके 90 डिग्री की अलाइन कर लूँगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर उसे एडिट मोड में जा करके F प्रेस करके फिलअप कर लूँगा, उसे X एक्सिस के सीधे में ले आऊँगा। और अब मैं यहाँ पर S प्रेस करके इसे छोटा कर लूँगा। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगा एक मिरर मॉडिफायर को। तो एक सेकेंड, मिरर मॉडिफायर ऐड करने से पहले मैं इसे थोड़ा सा, इसकी जो थिकनेस होती है होगी हमारे आईज की, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। तो उसके लिए हमको फिर से एडिट मोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर ई एक्स प्रेस करके उसे एक्स एक्स के अलोंग थोड़ा सा ढकेलना पड़ेगा, तो वो अपने आप उसमें एक थिकनेस ऐड कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हम हमारे जो आई का जो फ्रंट पोर्शन है उसे सिंपली आई प्रेस करके थोड़ा सा उसे नीचे की ओर ढकेल देंगे, ताकि एक उसमें एक सर्कल टाइप का हमें लुक मिल पाए। तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर हमें। और मैं यहाँ पर एक्स, हमारा जो ऊपर का जो व्हील बटन है उसको एक्स प्रेस करके हर एंगल से मैं देख ले रहा हूँ कि ये सही लग रहा है कि नहीं। आइज़, यहाँ पर हमारा जो आइज़ है वो प्रॉपरली प्लेस हो चुका है एक साइड का। तो अब बारी है मिरर मॉडिफायर को ऐड करने की। तब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर सिंपली मॉडिफायर में जाऊंगा और यहाँ पर मिरर मॉडिफायर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे होगा ये रिग। यहाँ पर मैं सिंपली फर्स्ट फ्रेम में जाकर के इसमें एक की फ्रेम ऐड करूँगा। तो की फ्रेम ऐड करने का सिंपल सा तरीका रहता है आई प्रेस करके लॉक रोटेशन स्केल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा 20 फ्रेम पर जाऊँगा और इसे एस और जेड प्रेस करके थोड़ा सा दबा दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसे दबा दूंगा एक बिल्कुल एक चाइनीज़ लोग के जैसा, चाइनीज़ लोग जैसे आग बंद कर देना तो उनकी आई एकदम छोटी छोटी हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर इसे दबा दूंगा। तो फिर से मैं यहाँ पास एक की फ्रेम ऐड करूँगा लॉक रोटेशन स्केल का
हमारे 20th फ्रेम पे। तो अब मैं यहाँ पर मेरी फर्स्ट फ्रेम में जाऊँगा और आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा लग रहा है। पर उससे पहले मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि एक की फ्रेम और ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अब जाऊँगा 40th फ्रेम पे और जो हमारी जो पहली की फ्रेम है उसे मैं यहाँ पर सिंपली कॉपी करके 40 फ्रेम पे ले आऊँगा। और अब मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है। सो गाइस, ये थोड़ा अजीब लग रहा है देखने में, पर कोई नहीं, हम इस आगे जा करके और भी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगा एमिशन शेडर को ताकि ये थोड़ा सा चमक सके। तो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे शेडिंग टैब में। चाहे तो आप यहाँ से मटेरियल टैब के थ्रू भी कर सकते हैं, पर मैं आपको शेडिंग टैब की मदद से दिखा देता हूँ। ये मेरा पर्सनली फेवरेट है। तो यहाँ पर मैं शेडिंग टैब में जाऊँगा और यहाँ पर जो हमारा प्रिंसिपल BSDF है उसे डिलीट करके यहाँ पर सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करके एमिशन सर्च करना है, आपको यहाँ पर एमिशन शेडर आ जाएगा। तो यहाँ पर एमिशन शेडर को मैं सरफेस से कनेक्ट कर दूंगा और स्ट्रेंथ को रख दूंगा 5 और सिंपली हमारे सेटिंग्स पे जा करके यहाँ पर ब्लूम को ऑन कर दूंगा। अगर आप ब्लूम को अगर आपका ये जो टेक्सचर ये अगर आपका शाइन नहीं कर रहा है तो आप चेक करिए कि आपका ब्लूम ऑन है कि नहीं। मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया तो ये शाइन कर अच्छा खासा। आप चाहें तो एमिशन में जा करके इसे इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी पूरा इसका बॉडी पार्ट्स बनाना है। तो मैं यहाँ शिफ्ट ए प्रेस करके एक और क्यूब को ऐड कर दूंगा उसके बाद। उस पे भी शब्द डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करूंगा। तो मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू को ले लूंगा लेवल्स को 3। यहाँ पर फिर से वही लूप कट टूल को मदद से यहाँ पर उसे कट कर दूंगा और यहाँ पर मेरा नेक रेडी हो चुका है। और फिर मैं उसे लेफ़्ट क्लिक करके शार्प डिवीजन सरफेस नहीं, शेड स्मूथ में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर हमारे बाकी बॉडी पार्ट्स को यहाँ बस मॉडल करूँगा।
यहाँ पास फिर से एक क्यूब ऐड करूँगा और फिर से वही तरीका रहेगा मॉडिफायर टैब में जा करके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को ऐड करने का।
this camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed, throw me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me, everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. तो यहाँ पर मैं हमारे प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको आगे दिखाता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो अब बारी हमारे हैंड को मॉडल करने की। उसके लिए मैंने पहले यहाँ पर सोचा था कि हैंड के अलग अलग हमारा पोर्शनों का जो कि अपने आप में रोटेट करेगा, पर वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर एक टोरस को यहाँ पर ऐड किया, उसके बाद उसे थोड़ा सा एस और जेड प्रेस करके थोड़ा सा दबाया, फिर दबाया। उसके बाद मैंने एडिट मोड में जा करके इसे सिमेट्रिकली कट कर दिया, मतलब इसकी जो सिमेट्री थी उसको मैंने डिलीट कर दिया। और अब मैं इसे थोड़ा सा एस जेड प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की ओर पुश कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर हमारा जो हैंड है वो रेडी हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैं मिरर मॉडिफायर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जैसे मैंने आई के केस में किया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको रिग मैं मैनुअली करूँगा तो हर हैंड को अलग अलग मूव करूँगा, तो इस वजह से मैं यहाँ पर मिरर मॉडिफायर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो उसके मैं यहाँ पर अब क्या करूँगा, इस पूरे जो हमारा हैंड है उसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करके जी वाई प्रेस करके इसे एक साइड ले जाऊँगा, और उसके बाद इसे मैं रोटेट कर लूँगा ताकि ये प्रॉपर फिट हो जाए, मतलब सही तरीके से लग जाए, बस ये चाहता हूँ।
उसके बाद आप लोग देख सकते हैं गाइज यहाँ पर हमारा रोबो तैयार हो चुका है। अब अगले ट्यूटोरियल में इसे करने वाला हूँ रिग, तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि रिग वाली ट्यूटोरियल कहीं मिस ना हो जाए इस वजह से। तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।